हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VT अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ जर्मन शेफर्ड के पपी हैं। तो क्या इनका प्राइस है, कैसी क्वालिटी है, ये किस बोन में है, किस कोट में, ये सभी मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। और जिनको भी लेना है, ये उनके लिए सबसे बेस्ट पपी हैं। ऐसे पपी बार बार नहीं मिलते, ये टॉप क्वालिटी के पपी हैं एकदम, मतलब ये मान लीजिए हाई क्वालिटी के, जिसे कहते हैं रियल डबल कोट जिसे कहते हैं, तो वो हैं ये पपी। तो चलिए फिर वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ओनर का कांटेक्ट नंबर और कहां पर अवेलेबल है ये सब बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पपी लेके आया हूँ। ये पपी हैं जर्मन शेफर्ड हैं, ये फीमेल थी, उसने 5 पपी दिए थे जिसमें 4 मेल हैं, ओनली 1 फीमेल है, फीमेल ओनली 1 है। तो दोस्तों, ये रियल डबल कोट है, ये कोई नॉर्मल वो नहीं होते कि छोटे बाल हैं आपको डबल कोट बता दिया, नहीं, ये रियल डबल कोट है। और हैवी बोन, आप जहाँ तक हैवी बोन देखते हो जिसके पैर मोटे होते हैं आप उसको हैवी बोन बताते हो, लेकिन इसका एक बार हेड देखिए आप, इसका हेड नॉर्मल जर्मन शेफर्ड से कंपेयर करके देखिए आप कितना हैवी है। ये मतलब फुल हैवी बोन है, जिसे कहते हैं हेड बिल्कुल हैवी है, और इसके जो पंजे हैं वो भी बहुत हैवी हैं। और ये नहीं है बिल्कुल हल्का दुबला पतला बच्चा, आप फोटो वगैरह में भी देख सकते हो, ये देख लीजिए आपके सामने फ़ोटो है, ये पपी है। इसकी एज आज हो गई है 31 डेज़ की, और इसकी वीडियो वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में भी थोड़ी देर के बाद, इसके बारे में बताने के बाद। वीडियो है 28 डेज़ की, 35 से पहले तो देखो पपी सेल होता नहीं है, ना ही करेंगे, ठीक है। आप बुक कर सकते हो पपी को, एडवांस कुछ पे करके आप बुक कर सकते हो। और दोस्तों, डिलीवरी वगैरह का कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, डिलीवरी तो नहीं है, आपको आना पड़ेगा फरीदाबाद में, ये पपी अवेलेबल हैं फरीदाबाद के पलवल गांव में, आपको ये पपी मिल जाएंगे, ओके। तो ये पपी डिलीवरी तो बहुत मुश्किल है, डिलीवरी नहीं हो पाएगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, इतना मतलब इतना हैवी बच्चा है, आप कुछ कहने की नहीं। ये पपी बहुत कम होते हैं, ये ज़्यादातर ठंड के टाइम में देखने के लिए मिलते हैं, बाकी गर्मियों में ऐसे पपी तो नहीं मिलते, बाकी आप ठंड में भी देख सकते हो, तो ऐसे पपी आपको नहीं मिलेंगे, आपको नॉर्मल जर्मन शेफर्ड देखने के लिए मिलते हैं, आपको कभी कभी ऐसे पपी देखने के लिए मिलते हैं। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसकी फ़ोटो वगैरह मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, और वीडियो भी है इसकी, 35 डेज से पहले हम सेल नहीं करेंगे। तो इसका प्राइस है दोस्तों, इसका प्राइस फीमेल जो है 8,000 रुपये की, और मेल है 16,500 रुपये का, ये है कुछ प्राइस। दोस्तों, प्राइस बिल्कुल क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है, बिल्कुल। दोस्तों, आप नॉर्मल मांगते हो, जो आपको नॉर्मल पपी देते हैं 15-16 का, तो नॉर्मल जर्मन मिल जाता है आपको कहीं से भी, लो आपको 15-16 बताते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी देखिए आप भाई, इतनी टॉप क्वालिटी है कुछ कहने की नहीं। आप अगर लेके जाओगे तो आप आने वाले और पूछेंगे आपके अड़ोस पड़ोस वाले कि आप कहाँ से लेकर के आए हो ये पपी, क्वालिटी तो भाई इतनी औसम है। अब क्वालिटी का तो देखो कुछ कहना ही नहीं है, आप क्वालिटी आपके सामने जो भी है आपको दिख रही है कैसी क्वालिटी है ये। और जो जैसा कि मैंने बता दिया, 4 मेल 1 फीमेल है, और डिलीवरी तो नहीं हो पाएगी, आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। और दोस्तों, 8 की फ़ीमेल है, 16.5 का मेल है, तो देख लेना आपको कैसा लेना है आपको। फीमेल तो ओनली 1 है, अगर जल्दी आप ले सकते हो तो जल्दी करिए। और 35 डेज से तो देखो पहले पपी हम सेल नहीं करेंगे। ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, फरीदाबाद में ये पपी अवेलेबल हैं, क्वालिटी वगैरह आपके सामने है। दोस्तों, बहुत टॉप क्वालिटी है, प्लीज़ इसको मिस ना करें, क्योंकि क्वालिटी देखो, क्वालिटी देखने में पता चल जाता है, ये आप नॉर्मल जर्मन शेफर्ड से कंपेयर करके देख सकते हो कैसी क्वालिटी है इसकी। ये बिल्कुल आप जिसको कहते हो ना भालू वाला बच्चा, ये बिल्कुल वही है। तो दोस्तों, ये चलिए हम वीडियो देख लेते हैं, ये वीडियो 28 डेज़ की है, लेकिन बट आज पपी 31 डेज़ के हो चुके हैं, तो चलिए फिर वीडियो को देख लेते हैं। Woo!